भंगड़ा पा ले यार, यहां मैं भंगड़ा पाने तो नहीं आया, ये कोई डांस प्रोग्राम तो है नहीं, ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है टर्बन तड़का। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला बढ़िया बढ़िया खाना बनाने का, और वो भी एक ऐसे यूनिक इंग्रेडिएंट के साथ। आज हम बना रहे हैं चटपटी कमल ककड़ी। सबसे पहले इसको साफ कैसे करना वो बता देता हूं। ये जो लास्ट का हिस्सा ना, जो कि पॉन्ड्स में, तालाब में, मतलब नीचे तक, पानी के अंदर बिल्कुल नीचे तक इसकी जड़ें जो है अंदर तक रहती हैं, वो साफ कर लेना होता है। इसलिए ये मैं ऊपर से थोड़ा साफ कर लिया और यहां से। अच्छा, ये करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने धोना है इसे बहुत बढ़िया तरीके से। इन पोर्स के अंदर में से पानी डालें, और ये पोर्स से देखिए, ये इधर से पानी जब पूरा निकल जाए तो मट्टी पूरी निकल जाती है। तो देखिए पहले क्या करना होता है। ये लीजिए, ये कमल ककड़ी ले ली, पील करना है इसे। ये देखिए, आ हा हा, इस तरह कुकुम्बर पील करते हैं, ये लीजिए, इसी तरह से इसे पील करना है। ये देखिए, ये बढ़िया तरीके से पील कर लिया। अब ये कमल ककड़ी को स्लाइस करना है। ये लीजिए, इस तरह से स्लाइस करना है आपने। ये देखिए, और इसके साथ साथ मैंने यहां पे तेल गरम करने रख लिया है, क्योंकि कमल ककड़ी को हमें फ्राई करना है। तो ये इतने से मैं पहले फ्राई कर लेता हूं गरम तेल में। ये देखिए, तेल बढ़िया गरम, दो बार फ्राई करना आपने। आहा हा, ये लीजिए, ये एक बार फ्राई करके निकाल लिया। ये इसको मैं निकाल लेता हूं। इसी तरह से जो बाकी कमल ककड़ी है उसे भी स्लाइस करें और फ्राई कर लें, बढ़िया क्रिस्प। फॉर्मूला फ्रेंच फ्राइज वाला या वेफर्स वाला ही है कि एक बार निकाला फिर फ्राई किया, तो ये बहुत जरूरी है। अब तेल यहां पे वापस गरम, और ये जो कमल ककड़ी है ये डाल लेता हूं। ये लीजिए, आहा, और अब बिल्कुल क्रिस्प फ्राई करना है हमें, जैसे वेफर्स हो जाएं, बिल्कुल क्रिस्प क्रंची। इतना बढ़िया कॉकटेल स्नैक है जी। वो भाभी जी, आप एक काम करना, इसे बना के उनको खिलाना, और क्या मजा आएगा जी। वो बोलेंगे ये ही बनाओ, मतलब ये ही बनाओ, बच्चों को ये पसंद आएगा। क्योंकि देखिए, आलू की जगह कोई नई चीज अगर आप खिला रहे हो, थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी, लेकिन जैसे ये खाएंगे इतना मजा आएगा पूछिए मत। ये देखिए, आहा, कितने बढ़िया गोल्डन फ्राई हो रहे हैं, और आकार देखिए, मतलब दिखने में ही इतने बढ़िया है, बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स। कुदरत ने कितना बढ़िया, मतलब ये इंग्रेडिएंट बनाया। और ये देखिए, उगता कहाँ है, दलदल में, मतलब जो तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उसके दलदल में उगता है, और ऊपर कमल ककड़ी के ऊपर कमल का फूल, आहा हा, पूछिए मत। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार, मैं आँच बंद कर लेता हूँ। अब ये जो है बिल्कुल क्रंची, बढ़िया। ये देखिए, ये लीजिए, जब ये गरम हो तभी इसमें थोड़ा सा नमक, ये लीजिए काला नमक, ये डाल दिया पहले। लाल मिर्च पाउडर, चटपटा बना रहे हैं, देखिए लाल मिर्च पाउडर ये डाल दिया, आधा छोटा चम्मच। आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच वो डाल दिया, साथ ही साथ चाट मसाला वो भी आधा छोटा चम्मच, और कसूरी मेथी ये डाल दी। और ओहो, है तो ये मजेदार, लेकिन बगैर एनर्जी कोई मजा नहीं आएगा। तो नमक डाल लेते हैं थोड़ा, नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक। ये लीजिए, नमक डाला और इनको अच्छी तरह से मिला लिया, ये लीजिए मसाले में, आहा हा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इंग्रेडिएंट, उसको भी कुछ कर लेते हैं। ये हरी मिर्चें, ये लीजिए, बीच से फाड़ ली, दो से चार हरी मिर्चें, ये लीजिए। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि जब मैं फ्राई करूंगा
तो ये फटेंगी नहीं, मतलब फटाक से फटती हैं तो थोड़ा सा हैजर्डस होता है, छोटे छोटे नुस्खे। ओ जी आपका ये होस्ट ये ऐसा बताते रहता है। तो ये मिर्चें ये तेल में, इनको मैं फ्राई कर लेता हूं। ये लीजिए ये, आहा हा, अब मिर्चें फ्राई इसी में डाल लेता हूं। और यहां पे जो बचा कुचा मसाला है उसमें ये लग गया। अब देसी तरीके से सर्व कर लेते हैं। और ये क्रिस्पी क्रंची, आहा हा, क्या मजेदार है, पूछिए मत। ये देखिए, सबसे पहले नोट कर लें इसके इंग्रेडिएंट, आप पीछे मत रहिए, आप भी इंग्रेडिएंट्स नोट करें और देखें इसका रिकैप। चटपटी कमल ककड़ी। सामग्री: एक लंबी कमल ककड़ी, तलने के लिए तेल, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 4 हरी मिर्चें स्लिट की हुई। इसे बनाने के लिए कमल ककड़ी को दोनों बाजू से थोड़ा काट कर पानी से अच्छी तरह धो लीजिए, फिर उन्हें छीलकर पतले लंबे स्लाइसेस में काट लीजिए। कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए, इसमें कमल ककड़ी के स्लाइसेस आधे पकने तक तल लीजिए, टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए, तेल दोबारा गरम करके उसमें कमल ककड़ी की स्लाइसेस सुनहरी और कुरकुरी होने तक तल लीजिए, टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए, इन पर काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी पाउडर और नमक छिड़क दीजिए, हरी मिर्चें स्लिट करके गरम तेल में तल लीजिए, टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए, कमल ककड़ी के स्लाइसेस को दोण या सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए, तली हुई हरी मिर्चों से सजाकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए।